एंड ये इंडियन ब्रांड है, सो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ब्लू हेवन वन ब्रांड मेकअप लुक, वो भी दुर्गा पूजा स्पेशल। सो कीप ऑन वॉचिंग, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए वीडियो को, सबसे पहले हमारा है ये ब्लू हेवन का फेस टोनर। सो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये 50 रुपीज़ में आता है एंड बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है। ब्लू हेवन का कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है, इसलिए मैं पॉन्स की मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों के मौसम में आपको लाइट वेट मॉइस्चराइजर एंड मेरी तो वैसे भी ऑयली स्किन है, सो इसलिए मैंने लाइट जेल क्रीम ही यूज़ करती हूँ। प्राइमर ब्लू हेवन का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को ब्लर कर देता है, आपके ओपन पोर्स को। फाउंडेशन के लिए मेरे पास ये छोटा वाला है वर्जन, ये भी ब्लू हेवन का ही है, मैंने इसे ऑफलाइन ही खरीदा था एंड ये बहुत ही ज़्यादा मुझे सस्ते मिला था, बस 15 रुपये का ही है। इसे अपने स्पैचुला से इसे ले लेते हैं, लगा लेते स्किन पर डायरेक्ट। अब इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत ही फेयर कवरेज है, स्किन थोड़ा येलोइश येलोइश लग रहा है हल्का, क्योंकि फाउंडेशन का कलर थोड़ा सा लाइट एंड येलो येलो था इस वजह से। एंड अब बारी आती है हमारे कंसीलर की, सो ये है, ये भी मीडियम कवरेज ही आपको देगा। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब बारी आती है हमारे पाउडर की, सो पाउडर के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन का पाउडर, ब्लू हेवन का लूज पाउडर। सो ये बहुत ही अच्छा है एंड अफोर्डेबल है, ये मैंने पर्पल से बाय किया था और ये आपको अंडर 9900 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। इसको सेट कर लेते हैं, पूजा में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होना चाहिए, इस वजह से मैं बेक कर रही हूँ क्योंकि ये क्रीज ना कर जाए। नेक पे भी हल्का सा लगा लेते हैं उस पर, वरना एयर गले का कलर थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। एंड अब हम इसे डस्ट ऑफ कर लेते हैं। एंड अब बारी आती है हमारे अगले प्रोडक्ट की, सो है ये ब्लू हेवन का स्ट्रोप एंड सेप का डियो स्टिक, जिसमें एक साइड आपको हाइलाइटर मिल जाता है एंड एक साइड आपको कॉन्टोर स्टिक मिल जाती है। ब्लेंड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है इसलिए आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही ब्लेंड हो जाता है ये। अपना ब्लश, सो ब्लश के लिए मैंने ये लिया है ब्लू हेवन का ब्लश, सो ये बहुत ही अच्छा पीची शेड में है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, आर्टनर एंड ब्रॉ डिफाइनर एंड ये है स्काई ब्रो जेल। सो आज मैं जेल से ही सेट कर लेती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड कन्वीनियंट मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका शेड है ग्रे। आई मेकअप की तरफ, सो सबसे पहले हम अपना ब्लश को ही यूज करेंगे एज आई शैडो, सो ये पिंक कलर का, सो इसे हम अपने आई शैडो की तरह यूज करेंगे।
स्प्लिटर आई शैडो ये मैच हो रहा था थोड़ा सा और मैंने कुछ नहीं लिया था इसके ऊपर से, इसलिए मैं इसे हल्का सा प्लेस कर लूँगी। मेरी आई लाइनर की स्वाइल लाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये। इसकी बॉन्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है, इस वजह से मैं इसे जल्दी यूज़ नहीं करती। ये कब से ही मेरे पास है बट मैं इसे यूज़ नहीं करती। काजल, क्योंकि मेरा साड़ी का कलर ब्लू है, इस वजह से मैं ब्लू काजल ही वेयर करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे। अपने लाइनर को हल्का सा ब्लू टिंट देने, ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्ल मस्कारा, ये बहुत ही अच्छा है एंड आप इसे खरीद सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। बहुत ज़्यादा ही बोल्ड आई मेकअप लुक हो गया, सो दैट आई एम यूजिंग दिस न्यू ब्राउन ब्लू हेवन का लिपस्टिक, क्रीम लिपस्टिक है ये एंड ये मैटिफाई कर देता है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।